पेट में गया और एफबी पे पैदा हुआ, कार में हुआ जमा, कोर्ट में जाके गया मर। अपनी कहानी सच्चा प्यार दिखलाएगी, खबर की सतर की फुहार बरसाएगी। ज्ञान ना बांटेंगे, ना हक ना डांटेंगे। एक दौर था जब माँ बाप कहते थे कि डॉक्टर बनना, एमबीबीएस करना इज्जत की बात होती है। लेकिन कहां पता था कि एमबीबीएस के पहले दिन ही इज्जत पे आन पड़ेगी। था वो दिन मेडिकल चेकअप का। कहां से हो भैया? हम हाँ, तब बलिया से हैं। वो बलिया वो पूर्वांचल वाला पिछड़ा इलाका जो है। पिछड़ा नहीं है। हाँ, ऐसा मत कहिए आप। ठीक है। मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे तो एल लग गए, मेरे। क्या हो रहा है अंदर? क्या हो रहा है? अंदर जाओ, पता चल जाएगा। जाओ अंदर जाओ। क्या हो रहा है? देखो जाके कुछ नहीं है यार। तुम ना दो दो मिनट बैठ जाते हो यार। कुछ नहीं अंदर है, ऐसे ही कुछ हो रहा। फॉर्मेलिटी वॉर्मेलिटी। सीपीएमटी से आए हैं वो काल, ऐसा थोड़े नाम क्या है आपके? हमारा हमारा नाम है चतुर्भुज वरुण शंकर तिवारी। चतुर्भुज वरुण शंकर तिवारी जी जी। कितना छोटा नाम है तुम्हारा? और आपका? चित्रंजन दास। वाह, एक बार में बोल दिया। और तुम्हारा? हम है भवानी शंकर। अरे मने सपूतो, इतना डर क्यों रहे हो? ये तो गंगा स्नान है, इससे गुजरे बिना कोई डॉक्टर बना है क्या? अच्छा चलो। अरे बैठने को किसने बोला? उठ उठ। अरे बैठने किसने बोला? चलो बैठो, बैठ इधर, बैठ इधर। अबे तू भवानी है तो तुझे अलग से इनविटेशन देना पड़ेगा। चपेट दे उधर। हर बार देखो, हजार बार देखो, ये देखने की चीज है हमारा दिल बटा ले। मिलिए प्रभात दिनकर उर्फ फोटोफोबिया से। इनकी प्रभात सूर्यास्त के बाद होती है। बस ये समझिए कि ये प्रजाति दिन में सोती है और रात में एक्टिव होती है। ये है विवान सिसोदिया जयपुर से। इनके शहर की तरह इनका मिजाज भी गुलाबी है। शाम गुलाबी, शहर गुलाबी। चतुर्भुज वरुण शंकर तिवारी उर्फ चतुर चरसी बलिया से। इनके बारे में ज्यादा बताने की जरूरत ही नहीं है। जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, ये नाम से और काम से दोनों से चरसी हैं। भैया, यार तुम कहाँ से निकले? हम तो यहीं इसी रूम में। चलो यार, who are you? हम चतुर्भुज वरुण शंकर तिवारी। यार हम विवान ससोदिया फ्रॉम जयपुर। अच्छा। यार तो इसी रूम में आप भी रहेंगे लग रहा है। हाँ यार, मैं भी सोच रहा हूँ कि यार तुम्हारे साथ ही रहना पड़ेगा। अच्छा ठीक है। पर यार एक चीज बताओ। बताइए यार, इतनी मोटी मोटी किताबें तुमने तो यार पहले दिन से ही पढ़ना शुरू कर दिया। देखिए पढ़ेंगे नहीं, शिक्षा बहुत जरूरी है। पढ़ेंगे नहीं तो हमको करना है डीएम कार्डियोलॉजिस्ट। डीएम? और क्या भैया, आज के जमाने डीएम भी होता है क्या इसके अंदर? हाँ भैया, बहुत पढ़ना पड़ता है।
खाली पीएमटी निकालने भर का नहीं है। भैया मैंने तो सोचा था कि अपना यार एमबीबीएस करेंगे बस। नहीं तो आप अपनी अपनी, हम तो देखे पढ़ना बहुत जरूरी, बहुत मोटी मोटी किताबें हैं, आप ही शुरू करिए, हम तो यही सलाह देंगे आपको। चलो यार तुम पढ़ो, मैं करता हूँ आराम। माँ की आंखों का तारा, पिता का सहारा, सबका दुलारा, मिलिए अभिषेक गुप्ता इलाहाबादी से। ये हैं गणपत राय, ना 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 इनके नाम पे मत जाइएगा, इनको प्यार से लोग पायरेटेड विंडो भी बुलाते हैं। अरे कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ऑफर ठुकरा के एजेंसी आए हैं। ये है भवानी शंकर जिला जालौन से, ये जब जब सीन में आएंगे तब तब गर्मी बढ़ाएंगे। ये है डुमरियागंज से चित्रंजन दास उर्फ सूडो भोकाली, इनका ये कहना है पैदा होते ही नर्स ने इन्हें एडिडास का डायपर पहनाया था। hey, हेलो भैया चित्रंजन। हाँ मैं भवानी, भवानी शंकर नाम है। hey, hey, भैया नाम तो इनका गणपति है, पता नहीं क्या है, अभी देखो। कथों से तो गणपति तो नहीं लग रहे हैं। ये रूम है क्या? कौन इतना छोटा, कुछ तो मानी खत्म हो गया, इससे बड़ा तो मेरा अलमीरा है। जी डॉक्टर साहब, अगली बार से कभी गलती नहीं होगी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब पक्के से, डॉक्टर साहब माफ़ कर दीजिए इस बार। डॉक्टर साहब बाप के नाम भी याद हैं, दादा के नाम भी याद हैं और परदादा के नाम भी याद हैं। डॉक्टर साहब माफ़ कर दीजिए डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब अगली बार बिल्कुल गलती नहीं होगी। डॉक्टर साहब कहाँ? डॉक्टर साहब चार नंबर कमरे में। डॉक्टर साहब औरों को भी लेके आना है। डॉक्टर साहब पक्के से आता हूँ। आप लोग भी 2010 बैच के हैं का? अरे यार आप तो बैचमेट निकले। देखा क्या हुआ, कॉलेज का पहला दिन और रैगिंग का खौफ। अरे हम तो अपने बैचमेट तक को नहीं पहचानते थे, तो फिर रिस्क क्या लेना था, बिना देखे नंबर ही चालू, क्योंकि क्या पता कौन कब कहां सीनियर निकल जाए। प्यारी सी, भोली सी, सीधी सी बच्ची, मानो सीता मैया की ही परछाई हो। अरे तुम्हें क्या लग रहा है, मजाक कर रहा हूँ? अरे ऐसी लड़कियां होती हैं यार, मिलिए सिया मल्होत्रा से। हेलो
किसी ने सच ही कहा है, कोशिश कर कर जग मुआ पर लड़की पटे न कोए, लड़का जब फेसबुक छुए तुरंत कमिटेड होए। और शायद विवान को ये सच पता था। भाई खोल यार, क्लास भी जाना होता है। सुबह सुबह क्लास उसके दुगने बाथरूम में, घर जो मेरा है 6 कमरे और दुगने बाथरूम, कभी ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं देखी आज तक। पहली बार कह रहे कि सुलभ शौचालय भाई बोकाली को जाने दे, आ जा भाई। अबे बोकाली ये क्या तुम अपने घर वाले बाथरूम में जाओ, दादा वाले 6 घर में 9 बाथरूम। दिस इज नॉट डन। यस ओए जर्सी हाँ भैया, कुछ मिला? हाँ भैया, दूध उस फोकस किए हैं, अगर 2 o'clock पे है, अगर 6 o'clock पे आप 4 लोग न्यूट्रल फेल। अच्छा दिखाओ आइए देखिए, हमको लग रहा है तो हम मोनोसाइड पे फोकस किए हैं। आइए देखिए, मान ही नहीं सकते नहीं मान सकते हैं तो रहने दीजिए। अच्छा ला दिखा। कुछ दिखा? हाँ कुछ था तो। हाँ का दिखा, तो फोकस नहीं हुआ है। सिल्की शर्मा, वाह जी वाह, क्या सुंदर नाम है, सुन के ही दिल में घंटी बज जाती है। और अदाओं का तो क्या कहूँ, खुद ही देख लीजिएगा। Why not? Silky, can you please give me your hand once, please? Okay. Oh my God, तुम तो मेरे को मार ही देते। No. सिल्की, तुमने तो मुझे एक पर में पराया कर दिया। एक बार भवानी से बोला तो होता, मैं खून की नदियां बहाता तुम्हारे लिए। भवानी, तुमने ये क्या कर दिया? इसकी क्या जरूरत थी? DH, यानी दिल लगी हॉल। ओह सॉरी, डाइसेक्शन हॉल। यहाँ पे बस दो ही काम होते हैं, या तो मुर्दे कटते हैं या तो दिल जुड़ते हैं।
हाँ मैं आओ बैठो 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 आओ 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 थैंक यू मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कोई बात नहीं मैं समझाता हूँ ना लो देखो इसको ऐसे करते हैं मैं अपने आईपैड में समझाता हूँ ठीक है ये देखो इसको ऐसे फिर ना इसको ऐसे करूँ बस बहुत हो गया मैं तो जा रहा बाके बिहारी के पास रुक मैं भी चल रहा हूँ बाके बिहारी ही बचा सकते हैं बाके भैया बाके भैया बस आप ही हमें बचा सकते हैं आओ भक्ति सुनो क्या समस्या बचा लो बाके भैया अरे बताओ तो ये है भैया हम लोग तब से लगे हुए हैं हमारी शक्ल भी ठीक है हम लोग तब से इतने मेहनत लगे हैं बट वो जो सिल्की है ना हमारे तो देखती तक नहीं है वो देखिए ना वहाँ बैठ के उसे पता नहीं क्या एंड्रॉइड डाउनलोड करा रही है वो देखिए तानपुरा हिला रहा है बैठ के यहाँ अरे बाके भैया देखिए हम यहाँ नोकिया चला रहे हैं और वो टैबलेट लेके पता नहीं क्या एंड्रॉइड दिखा रहा है एक सेकंड एक सेकंड तुम भी उसे चाहते हो और तुम भी उसे चाहते हो और वो तो उसे चाहता ही है बड़ी समस्या है एक नन्ही सी जान किस किस को सिखाए 101 तरीके लड़की पटाने के कुछ करिए भैया कुछ करिए भैया कुछ तो हल बताइए भैया अरे लॉन्डो अगर वो फुलझड़ी जला रहा है तो तुम रॉकेट जलाओ बस एक चीज का ध्यान रखना जितनी तुम हमारी सेवा में रहोगे उतनी सिल्की तुम्हारी सेवा करेगी सिल्की और हमारी धन्यवाद भैया तुम में से किसी एक ने अभी भाग के अपनी जवानी का प्रदर्शन किया तो मैं उसकी जवानी की दीवानी बना दूंगा ओए ओए कहां जा रहा इधर आ अरे मेरे सपूतों कहां चले अपने बापों का आशीर्वाद तो लेते जाओ कहां भाग रहे थे भूत है क्या हम लोग कहां से आ रहे हो बे कहाँ से आ रहे हो डॉक्टर रंजीत चलचित्र शाला से आ रहे हो साहब कौन सी वे हरी नीली के पीली डॉक्टर साहब चेन्नई लोहपत गामिनी ये क्या है बे ये तो हमने कभी नहीं सुना डॉक्टर साहब भाषा ज्ञान चाहिए भाषा ज्ञान चाहिए तुम्हें दो घंटे तक भाषा ज्ञान दे रहा हूँ और उसके बाद कोई भाषा ज्ञान नहीं मांगेगा मुझसे सब चेन्नई एक्सप्रेस ये वही है ना जिसमें हनी सिंह वाला डांस है क्या नाम है उसका लुंगी नृत्य 5 मिनट के अंदर सब लोग लुंगी पहन के आ जाओ चलो चलो अबे छप गया यार तो नाच रहे यार सिया फिजा में महकती शाम हो तुम प्यार का झलकता जाम हो तुम सीने में छुपाए रखते हैं तुम्हारी यादों को जिंदगी का दूसरा नाम
जागी सी सोती रातों में जागी सी मिली एक अजनबी से कोई आगे न पीछे तुम ही कहो ये कोई बात है Get lost महीने में 12 तरीके से तुझको प्यार जताऊंगा रे थैंक यू भवानी तू कितना भी बोल तू कितना भी भौंक तू कितना भी गाले बेटा क्योंकि जब जब ये दिन आएगा बोलती तो तेरी भी बंद होगी दिन था वो पार्ट वाई में आप चतुर्भुज वरुण शंकर तिवारी पिक अप दिस फोन फिर आगे खिसक के इस गड्ढे से होते हुए सर इधर से मुड़के फिर से एक बार आगे चली जाती है What? Is this the way a Georgian answer? What is this अंकु पिछु गड्ढा like this? जैसे पढ़ाया वैसे बताओ using your tongue. Use my tongue. Okay, sir. What? The fuck? Get lost of here. Okay, sir. What is this? Nonsense. Just this. You got it. This is so my ass. Sorry, but chill. ना आप याद रख पाए ना हम पहचान पाए तभी तो 10 साल से यही डले हैं अब तो अभी 10 साल और आ गए हैं ये हाल है तुम्हारा चलो नेक्स्ट मंथ गुड मॉर्निंग सर गुड मॉर्निंग नाम क्या बेटा तुम्हारा जुगविंदर सिंह मालपानी कहाँ से हो सर मछली शहर से कुछ बॉम्ब्स पड़ी हैं बेटा आपने सर थोड़े थोड़े तो सब पड़े हैं ये बोल रहा Which bomb is this? सर एक दो तीन चार पांच सर ये सेकंड रिप है। How you can say this is second rip? सर ये एक ये है तीन ये है तो ये दो। Very smart. Thank you, sir. Hey, you! You are distracting me. What the hell are you doing? What's your name? What is in your head? What are you reading? It's Jorosia. This red book is very dangerous, don't you know? Always read reference books. Now tell me, which trip is this? सर अभी दो है Why? Second rip. Why? सर फर्स्ट तो आपके हाथ में है Oh no. Very disappointing. Very disappointing.
बहुत बेकार प्रॉब्लम है सर। वो जॉइंट्स के बारे में कुछ पढ़ा है? जॉइंट्स, डू यू हैव रेड समथिंग अबाउट जॉइंट्स? थोड़ा 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 टेल मी व्हिच जॉइंट इज दिस इन बिटवीन सेकंड रिब एंड स्टर्नम? सॉरी सर। स्टूपिड, गेट लॉस्ट। थैंक यू सर, गेट लॉस्ट। भाग में लिखा ओए चलो कोई मूवी दिखाते हैं यार। कौन सी बता दो। अभी एकदम से खाई है यार। सनी की। कौन सनी? सनी की। अबे सनी देओल की यार। अबे साले तूने तो दिल वो कर दिया था मेरे को, वाली सनी। अरे नहीं सनी देओल है यार। अबे साले। अरे भैया कहाँ जा रहे हैं? प्रोफेशनल की डेट आ रही है, हम तो जा रहे हैं पढ़ने। यार, मुझे तो टेंशन हो गई, मैं चला सोने। टेंशन होगी तो सोएगा। मैं चला। यार तो पढ़ना पड़ेगा यार। भाई रुक रुक, तू मेरे को पढ़ा दियो, मुझसे खुद तो पढ़ा जाता नहीं। अबे कोई नहीं, भद्रकाली से संभालेंगे। जय भद्रकाली। भाई 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 अपन लोग सीपीएम के निकाल गए हैं छोटे मोटे। उत्तेरी, अच्छी खासी जिंदगी चल रही होती है, अबे ये एग्जाम्स क्यों आ जाते हैं बीच में? प्रेशर कुकर जैसे सर की बज जाए ना सीटी, तब तक मार घट्टा मार। ओ पटक पटक के सर गिरा दे नॉलेज की दीवार, रट्टा मार। तू भी आ जा चल पढ़ ले एग्जाम। तू भी पढ़ ले ठीक है, बाद में बात करते हैं। किताबों के पहाड़ सौ बार घट्टा मार। भाई सच बता रहा हूँ, जाग जा भाई, जाग जा। ठीक है ठीक ठीक ठीक। जिंदगी में कभी एंड्रॉइड मिलोगे खुद ही देंगे। पोस्टर का बहुत फर्क पड़ता है, हमको तो ऐसा लगता है, यही हमको लग रहा है। ब्लड सर्कुलेशन अगर दिमाग में बढ़ेगा तो खराब होगा। ज्यादा पोस्टर ट्राई करने को लेट्स गो ऑन टू फिजियोलॉजी।
तो जा रहा है। मैं तो एग्जाम का शाहरुख खान हूँ, ग्रेस कनिंगम जवान पे ये एग्जाम तो एकदम ब्लॉकबस्टर जाएगा क्योंकि आई एम अ रॉकस्टार। देवा तुम ही बचाना, तुम्हारा ही भरोसा यार, तुम नहीं रहोगे तो हम तो गए। अब तो भवानी माँ ही बचा सकती है, जय भद्रकाली। कोई नहीं आसिया, ऐसा होता है, हम दोस्त हैं ना। बट आंसर बताने के लिए थैंक्स अ लॉट। बाय बाय। अरे क्या हुआ? अरे यार मेरा आईपैड ही पकड़ा गया यार, वरना सब करता। टाइम कर पागल ने तो यो कर लेते यार, छीन ले मेरा। फिर मैंने तो पूरी ग्रेस एक एक लाइन छाप ली है, ए कॉपी बी कॉपी सी कॉपी डी कॉपी ई कॉपी डी। अबे तो क्या पूरा रहता ही फैला दिया क्या बे? मैं तो एक काम भी नहीं कर पाया। मैं तुमको फेल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा। आ ही गई वो घड़ी जिसमें खुलना था एग्जाम में फैलाए हुए रायते का वही खाता। अरे बोल माल है भाई, क्या हुआ यार? चल चल साले सुनाता हूँ तुझे कहानी, चल गैस मार, बता बता चल गैस मार, टॉप किसने किया होगा? यार चर्सी ने किया होगा। अरे वो फोटोफोबिया जो तो सोता रहता तेरा रूम पार्टनर, उसने किया है टॉप। फोटोफोबिया? अबे पता है रात को ना किताब के सपने देखता होगा, लड़की के नहीं। हटो हटो। अरे भाई इसे क्या हो गया? अबे देख तो ऐसे रहा है जैसे टॉप किया होगा। ऐसे क्या हो गया? अबे तो हमें ग्रेस लग गई। टूटे कोई सपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना लगे, कोई रहे ना जब अपना, जग सुना सुना लगे, जग सुना सुना है। सब पास हो गए ना, अब होगा जस्ट जय भद्रकाली। Hi!
आखिर चतुर निकला, सबकी प्रॉक्सी लगाने का वादा किया और अपनी प्रॉक्सी किसी और को देकर वापस आ गया रूम पर पढ़ने। वाह जी वाह। सही है, ये ले फोन लगा जल्दी से। जी बोल रहे हैं जी। सर हम सीपीएम चैनल से दीपक चौरसिया जी बोल रहे हैं। सर आपकी सीपीएम टीम में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। हाँ तो सर सबसे पहले हम आपको सीपीएम चैनल और लखनऊ वासी की तरफ से हार्दिक बधाई देना चाहते हैं। जी जी धन्यवाद। हाँ सर, आप हमारे मुख्य संवाददाता प्रभु बावला जी से बातचीत कीजिए। हाँ जी सार्थक जी। हाँ जी, सबसे पहले तो मैं प्रभु बावला आपको अपनी आपकी सफलता के लिए आपको बहुत बहुत देता हूँ। जी जी धन्यवाद धन्यवाद जी जी। जैसा कि सबकी सफलता के पीछे किसी ना किसी बड़े आदमी का हाथ होता है, तो आपकी सफलता के पीछे किसका हाथ है? जी नहीं, इस सफलता का श्रेय मैं अपने आप को देना चाहूंगा। मैंने कठिन परिश्रम, कठिन व्यायाम और सही शेड्यूल को अपना के ये सफलता प्राप्त करी है। फैल रहा है। तो ये बताइए, क्या आपने कोई कोचिंग वगैरह की थी? नहीं, कोचिंग जैसी चीजों में तो मैं विश्वास ही नहीं रखता। दृढ़ संकल्प और दृढ़ मेहनत से मैंने ये अपनी उपलब्धि पाई है और उसका श्रेय मुझे जाता है। तो इतनी अच्छी रैंक आने के बाद में निश्चित रूप से आपको केजीएमसी मिल जाना चाहिए। सुना है वहाँ पे काफी रैगिंग वगैरह होती है।
जी नहीं, रैगिंग वैगिंग जैसी चीज पे तो मैं विश्वास ही नहीं रखता। यहाँ पे केजीएमसी का जैसे मैंने सुना है एडमिनिस्ट्रेशन इतना स्ट्रिक्ट है कि रैगिंग वैगिंग जैसी चीज होने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और भी कुछ हुआ भी तो एंटी रैगिंग सेल है ना। लेकिन हमें हमारे गुप्त संवाददाता सूत्रों के अनुसार पता चला है कि इस बार आपकी रैगिंग होने वाली है। आप क्या कह रहे हैं, ये आप ऐसे कैसे कह सकते हैं मेरी रैगिंग क्यों होगी? आप बोल कौन रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ साले। बाप अरे कहीं कदम मत रख देना गेट पे। हेलो सिया। हाय। मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। ओह वाओ, ये तुमने बनाया है? हाँ यार, रात में बैठा हुआ था, मन नहीं लग रहा था तो कुछ कोशिश की बनाने की। आई होप तुम्हें अच्छा लगे। थैंक यू यार, सो स्वीट ऑफ यू। बच्चों एक बात गांठ बांध लो, अगर गर्लफ्रेंड बनानी है या बनी हुई है तो बेटा उसका बर्थडे तो भूलना ही मत। चलिए देखते हैं विवान को क्या ये बात पता है। बे नया गेम आया टेंपल रन, खेल रहा है यार इसको, बहुत एडिक्टिव है यार। तू भी खेल? हां जी खेलता हूं। अबे इसको नीचे कर और फिर इसको ऊपर ले जा, कूदा कूदा कूदा। अबे पीछे ना गोरिल्ला भागते हैं, इसमें ऐसा ऐसा सारे लड़कियां भाग रही हैं अबे पीछे। अबे यार ला मैं खेल के दिखा दूं, तू सीख फिर खेलो ठीक है। आज तो सिया का बर्थडे था ना। सिया का बर्थडे, अबे कैसे भूल सकता हूँ यार, मैं भूल गया यार बिल्कुल। बहुत डांट पड़ने वाली है। ये बता तूने विश किया क्या? हाँ यार मैंने तो विश कर दिया आज ही। अबे यार मनाना पड़ेगा यार फिर भाई किच किच। कोई नहीं यार मान जाएगी, चल देख लेंगे यार। इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। तो लुट गए, हाँ लुट गए, तो लुट गए हम तेरी मोहब्बत में। तड़प तड़प के इस दिल से आह निकलती रही, मुझको सजा दी प्यार की, ऐसा क्या गुनाह किया। किसी ने सही कहा है, शीशा हो या दिल हो टूट ही जाता है। अरे जकरंदर भैया, अरे भैया जागिए। जकरंदर भैया, अरे भैया उठिए, डेढ़ महीना रह गया एग्जाम का, आप सो रहे हैं समझते रहे, उठिए जल्दी उठिए। बड़ा भावकाली लग रहा है, नया चश्मा लिया है का? चश्मा है? हाँ बड़ा भावकाली है क्या? जैगुआर 4500 कल खाली इसका लेंस है, 15,000 का फ्रेम है। लिख रही है, लिख चुकी है, लिख देगी। अपनी चिंता करो यार, जल्दी दो। वो ना प्रकॉलिटी का तो देख लूंगी मैं, छोड़ो ठीक है, सबको अभी करने है ना। तो कभी ये पैसों की मैनुअल है, ये माइक्रो बनाई है, डायग्राम भी नहीं बनाया तुमने। फार्मा की मान्यता बनाओगे तुम? तुमसे अच्छा तो वो गणपत राय था, कम से कम एनाटॉमी की क्रॉस अच्छी बनाई थी, 50 out of 50 मिले थे। यू डोंट डिजर्व मी, आगे से ऐसा हुआ ना तो बस ब्रेकअप। जब 1.5 साल के प्रॉफ में 1.5 साल की मस्ती के बाद आप 1.5 दिन में कोर्स कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे
तो आपके साथ क्या होगा ये देखिए। मेहंदी लगी है हाथ में, हाय अल्लाह, हाथ में, हाथ में। अरे सहेलियों खामोश क्यों हो, शुरू करो ना। मेहंदी नी मेहंदी Medical is injurious to health. Medical causes frustration. Medical स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है. Medical से frustration होता है. हम रहे या ना रहे कल, कल याद आएंगे ये पल, पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल, चल अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। क्या हुआ अभिषेक, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया था? यसिया वो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। तुम बुरा तो नहीं मानोगी ना? नहीं नहीं मैं बुरा क्यों मानूंगी, बोलो तो सही। मुझे ये कहना था कि मुझे कहना था अभिषेक तू यहाँ क्या कर रहा है, चल फोटो खिंचाते हैं। ट्रेन का टाइम हो रहा है, चल जल्दी चल। सॉरी अभिषेक अब मुझे जाना होगा। हो अभी मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी। अभिषेक के लिए विवान की दोस्ती सबसे प्यारी थी, शायद इसीलिए वो 4 साल बाद भी सिया को अपने दिल की बात ना कह सका। फेयरवेल के दिन भी वो सब कुछ कह देना चाहता था, लेकिन तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। पर पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कितनी देर हो गई है, फ्लाइट तो अब तक आ गई होगी, विवान अभी तक नहीं आया। अभिषेक मैं विवान को कैसे फेस करूंगी, आज वो आ रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। विवान किसी बात का बुरा नहीं माना है, मस्त बंदा है। हाँ वो तो पता ही है। रहे दरमिया
शादी कर ली तूने? मुझसे नहीं तो किससे की? इससे। तुम दोनों भाई बता तो देता यार, दोस्त तू तेरा यार, तूने बताया भी नहीं यार। चल तो यार, पर ये बता हुआ कैसे सब? यार ये सब इतना जल्दी हुआ कुछ पता ही नहीं चला। किसकी किससे शादी होती है, किसकी शादी होती ही नहीं, कौन बड़ा डॉक्टर बनता है और कौन नीम के पेड़ के नीचे बैठेगा, ये तो टाइम ही बताएगा। हमारे हाथ में क्या है? हमारा कॉलेज, हमारी दोस्ती, हमारा प्यार। तो साथ हंस लो, साथ जी लो, साथ रो लो यार, क्योंकि याद रखना ये जो 5 साल है ना वापस नहीं आएंगे।